प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड को लेकर किया एक बड़ा खुलासा, जिसके बाद अब कंगना रनौत भी देसी गर्ल के सपोर्ट में आई हैं। वेल, कभी बॉलीवुड की देसी गर्ल बनकर करोड़ों दिलों पर राज करने वाली प्रियंका चोपड़ा अब हॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। देसी गर्ल से ग्लोबल स्टार बनी प्रियंका की ये जर्नी भी काफी शानदार रही, लेकिन प्रियंका ने आखिर बॉलीवुड इंडस्ट्री से ब्रेक लेकर हॉलीवुड का रुख क्यों किया, इसका असल कारण अब सामने आया है। प्रियंका ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक बड़े सच का पर्दाफाश किया। उन्होंने इस इंडस्ट्री के लोगों पर भी निशाना साधा है। डेक्स शेफर्ड के साथ पॉडकास्ट शो आर्मचेयर एक्सपर्ट में प्रियंका से पूछा गया कि किस वजह से उन्होंने अमेरिका में काम तलाशना शुरू किया, जिसके जवाब में प्रियंका ने बताया कि जब वो फिल्म सात खून माफ की शूटिंग कर रही थी, तब देसी हिट्स की अंजुला आचार्य ने उन्हें एक म्यूजिक वीडियो और यूएस में करियर बनाने के लिए अप्रोच किया था। प्रियंका भी उस टाइम बॉलीवुड से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। अब एक्ट्रेस के अकॉर्डिंग वो इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स से काफी परेशान हो गई थी, इसलिए वो एक ब्रेक लेना चाहती थी। प्रियंका को इस म्यूजिक वीडियो ने बॉलीवुड से बाहर कदम रखने का एक बड़ा मौका दिया। प्रियंका ने कहा कि मुझे इंडस्ट्री में एक कोने में धकेला जा रहा था, लोग मुझे कास्ट नहीं कर रहे थे, मुझे लोगों से शिकायतें थी, मैं ऐसे गेम खेलने में ज्यादा ठीक नहीं हूँ और मैं इस पॉलिटिक्स से थक गई थी, फिर मैंने ब्रेक लेने का सोचा। एक्ट्रेस बोली कि इस म्यूजिक वीडियो ने मुझे मेरी सीमाओं से पार जाने का मौका दिया, उन फिल्मों को करने की बहुत इच्छा नहीं हुई जो मुझे नहीं मिली, जिनके लिए मुझे किसी एक क्लब या किसी ग्रुप को मक्खन लगाना पड़े। मुझे लगा कि बॉलीवुड में बहुत लंबा काम कर चुकी हूँ और अब मुझे हॉलीवुड की जरूरत है। वेल, इस म्यूजिक वीडियो के बाद प्रियंका को इंटरनेशनल सीरीज क्वांटिको में बतौर लीड एक्ट्रेस भी काम मिला। ये सीरीज सुपरहिट हुई। इसके बाद से प्रियंका को हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। धीरे धीरे प्रियंका हॉलीवुड में ज्यादा दिखने लगी और बॉलीवुड में कम। हॉलीवुड का रुख करने के बाद प्रियंका चोपड़ा की कमबैक हिंदी फिल्म द स्काई इज पिंक थी। बहुत जल्द वो जी ले जरा फिल्म में भी काम करती हुई नजर आएंगी। प्रियंका के कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स अभी भी पाइपलाइन में हैं। अप्रैल में उनका शो सिटाडेल भी रिलीज होने वाला है। लेकिन फिलहाल प्रियंका के इस बयान के बाद कंगना रनौत के भी कुछ ट्वीट सामने आए हैं। कंगना ने साफ तौर पर प्रियंका का सपोर्ट किया और एक बार फिर से मूवी माफिया पर निशाना साधा। कंगना ने एक बार फिर से करण जौहर के नाम पर डिस्कशन किया और एक बार फिर से उनको गुनहगार ठहराया। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा कि मीडिया ने उन दिनों कई बार करण जौहर और प्रियंका चोपड़ा के लड़ाई झगड़ों की खबरें छापी हैं, लेकिन फिर भी किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ कंगना लिखती हैं कि क्योंकि प्रियंका चोपड़ा की दोस्ती शाहरुख खान से थी, मूवी माफिया ने आउटसाइडर प्रियंका चोपड़ा को टारगेट किया, उन्हें हैरेस किया इस कदर कि प्रियंका को देश छोड़ना पड़ा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस मुद्दे पर क्या राय है। इसी के साथ टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा।